हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर ब्लॉग। मैं हूं दीप, आप देख रहे हो विंडोज ब्लॉगर चैनल में आपका सबका स्वागत है दोस्तों। और क्या बात है, मैं आ गया दूसरा वीडियो और दूसरा एपिसोड लेके। आज मैं फिलहाल ड्यूटी में हूँ, देख के तो पता ही चल रहा होगा कि कहाँ हूँ अभी फिलहाल। और क्या है, अच्छे कुछ ऐसा चीज़ बनाने वाला हूँ, मतलब अंडा, मतलब एक से एक दे के एक सॉस बनाने वाला हूँ जो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत अमेजिंग होता है। आई होप कि वीडियो आपको देखना ही चाहिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा और इस छोटा सा रेसिपी को आपको सीखने मिल जाएगा। रेसिपी सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब, अभी सब्सक्राइब करें और बेल घंटी भी बजा दें, ठीक है। और हाँ, अपना दोस्त के पास भी ये वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा भाई आपका, चलो अभी शुरू करते हैं आज की वीडियो सीधा रेसिपी की तरह, लेट्स गो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉल में अंडा को फोड़ लेते हैं, ठीक है। करीब 7-8 अंडा को फोड़ लेते हैं एक बॉल में। तो अंडा फाइनली मैंने फोड़ लिया, तो अभी क्या करेंगे, इसके लिए एक मिक्सर का जो जार होता है लेके आ गया, ठीक है, इसमें डाल देंगे। तो अभी इसमें गार्लिक डालते हैं, तो गार्लिक को पहले क्या करेंगे, गार्लिक को पहले छील लेंगे, ठीक है। गार्लिक मतलब लहसुन को छील लेते, ठीक है। तो गार्लिक को अभी क्लीन कर लिया, ठीक है। तो गार्लिक को अभी क्या कर रहे हैं, गार्लिक को अभी इसमें डाल देंगे। तो गार्लिक को डाल दिया इसमें, तो अभी इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट को डाल दिया, अजीनोमोटो भी डाल देते हैं, अजीनोमोटो, थोड़ा बहुत व्हाइट पेपर का पाउडर डाल देते हैं। तो चीनी जितना भी चाहिए था चीनी को भी डाल दिया, तो अभी सब कुछ डाल दिया। थोड़ा विनीगर देना चाहिए, विनीगर, बस विनीगर थोड़ा देते हैं, इसलिए कि विनीगर बहुत खट्टा होता है। ये ऑलरेडी सब कुछ डाल दिया मैंने, और अभी इसको इस मिक्सी का ऊपर बैठाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको लॉक कर लेते हैं अच्छा से, ताकि जब ये घूमेगा तब अंदर वाला सामान बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसको हम लगा लिया, तो अभी मोबाइल को थोड़ा स्टैंड पे डालेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, इसको सनफ्लावर ऑयल की और कुछ भी, मतलब रिफाइंड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल इसमें डाल के इसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले स्विच डाल लेते हैं मिक्सी का, स्विच भी डाल दिया। और क्या है, इस काम में थोड़ा पानी लाएंगे क्योंकि इसको ऐड करना चाहिए। आपका पानी ले लिया, उस पानी को इसमें ऐड करेंगे अभी नहीं, जब घुमाएंगे उसका बाद, ठीक है। तो फाइनली मैं फाइनली इसको स्टार्ट कर दिया मैंने, अभी ऑयल डालेंगे इससे, अभी ऑयल डालेंगे धीरे 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 इसमें ऑयल डालेंगे, ठीक है। देखो कैसे मैं डालता हूँ, ऐसा ही धीरे धीरे से आपका डालना, आपको ऐसा ही धीरे धीरे आपको डालना चाहिए, ठीक है। अब देख सकते हो कैसा टाइट हो गया। तो जब टाइट हो जाएगा इसको क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है। जब टाइट हो जाएगा इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड करेंगे ताकि वो फिर लूज हो जाए। अब देखो ये लूज हो गया, फिर से घूमना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फिर से इसको ऑयल डालेंगे, ओके। सो इसमें ऑयल दे दिया और ये रेडी भी हो गया, इसका भी बंद कर देते हैं। देख सकते हो कितना थिकनेस आ गया इसमें। तो अभी इसको क्या करेंगे, इसका जो बॉक्स है, जो प्रिजर्विंग बॉक्स है, इसको उस बॉक्स में डाल के प्रिजर्विंग कर देंगे, ठीक है। ये है डब्बा, हमने इसको वॉश कर लिया है, ठीक है। इसमें अभी डालेंगे, इस पर पसीना पसीना हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पूरा जानकारी पूरा रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले भाई, क्योंकि अमेजिंग अमेजिंग वीडियो आपके लिए सिर्फ लेके आता हूँ, मतलब आप लोगों के लिए लेके आता हूँ।
सब अपने दोस्त के पास ही फॉरवर्ड कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मेरा ब्लॉगिंग चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कि आगे भी आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते रहोगे और मैं भी आप लोग को बहुत सारा वीडियो देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना। लव यू ऑल, मिस यू टाटा, बाय बाय।